गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स. येस्टरडे वी हैड अंडरस्टैंड एंड डू चैप्टर 5 डिवीजन एक्सरसाइज 5.1 फिल इन द ब्लैंक्स इन मैथ. टुडे इन मैथ वी विल अंडरस्टैंड एंड डू लॉन्ग डिवीजन मेथड इन मैथ. सो लेट्स स्टार्ट. एग्जांपल फर्स्ट, डिवाइड 98 बाय 7. हमें 7 से 98 को डिवाइड करना है. सो सॉल्यूशन देखते हैं. 7 से 98 को डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे 9 by 7. सो 9 7 से बड़ा है. तो 7 के टेबल में देखते हैं 9 आता है क्या. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. तो 7 के टेबल में 9 नहीं आता. तो 7 के टेबल में अब ये देखेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. सो 9 तो 7 के टेबल में आया नहीं नंबर. सो 9 से छोटा कौन सा नंबर आया, 7. सो छोटे नंबर पर हम टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7. सो 1 क्वाइटेंट में लिखेंगे एंड 7 नीचे लिखेंगे. अब हम 9 में से 7 माइनस करेंगे. 9 में से 7 माइनस करेंगे 2. अब हमारे पास सेकंड डिजिट क्या थी, 8. सो ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 8. हम नेक्स्ट डिजिट 8 को डाउन लेंगे. सो 9 में से 7 माइनस किया था 2 और 8 नीचे लिया, तो कितना हो गया ये नंबर, 28. अब हम 7 से 28 को डिवाइड करेंगे. सो 7 के टेबल में देखते हैं 28 आता है क्या. 7 का टेबल रीड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28. सो 7 के टेबल में 28 कितने नंबर पर आता है, 4. सो 4 ऊपर लिखेंगे हम क्वाइटेंट में, 7 4 जा 28, 28 नीचे लिखेंगे. माइनस करेंगे, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0. सो 98 डिवाइड 7 इक्वल क्वाइटेंट का है हमारा 14. एग्जांपल 2, डिवाइड 474 बाय 3. 3 से 474 को डिवाइड करेंगे. सॉल्यूशन देखते हैं. सो 3 से हम पहले 4 को डिवाइड करेंगे. सो 3 के टेबल में 4 आता है, टेबल रीड करके देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो 3 के टेबल में 4 डिजिट नहीं आती है. सो 3 के टेबल में 4 से छोटा नंबर कौन सा है, 3, क्योंकि 4 3 के टेबल में 4 नंबर तो आता नहीं, फिर 4 से ग्रेटर आता है 6. सो 4 से छोटा क्या नंबर आता है, 3. सो 1 बार टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3. अब हम इन्हें माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 एंड नेक्स्ट डिजिट 7 को डाउन लेंगे. सो अब हम 3 से 17 को डिवाइड करेंगे. सो 3 से 17 को कितनी बार डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल पढ़ के देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. सो 18 17 से ग्रेटर हो गया. सो 18 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया 3 के टेबल में, 15. सो 3 5 जा 15. सो 5 बार टेबल रीड करेंगे, 3 5 जा 15, क्वाइटेंट में 5 लिखेंगे, नीचे 15. अब माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0. नेक्स्ट डिजिट 4 को हम डाउन लेंगे, नीचे लेंगे. अब हम 3 से 24 को डिवाइड करेंगे. सो 3 के टेबल में देखो 24 आता है क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24. सो 3 के टेबल में 24 किस नंबर पर आता है, 8. सो 8 क्वाइटेंट में लिखेंगे एंड 24 नीचे. माइनस करेंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0. सो 474 डिवाइड 3 इक्वल 158 क्वाइटेंट, और रिमाइंडर क्या आया हमारा, 0. एग्जांपल 3, डिवाइड 5705 बाय 7. 7 से 5705 को डिवाइड करेंगे. सॉल्यूशन देखते हैं. सो 7 से हम 5 को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 5 जो है वो 7 से स्मॉलेस्ट नंबर है.
सो अब हम डिवाइड करेंगे 7 से 57 को. सो 57 ग्रेटर है 7 से. सो 57 का टेबल पढ़ते हैं 57 पर. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56. सो 56 7 8 जा 7 9 जा 63. 57 से ग्रेटर है. सो कितनी बार टेबल रीड करेंगे? 8 बार. तो 8 क्वाइटेंट में लिखेंगे, 7 8 जा 56 नीचे लिखेंगे. सो 57 में से 56 माइनस करेंगे, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0. नेक्स्ट डिजिट 0 को डाउन लेंगे. अब हम डिवाइड करेंगे 7 से 10 को. सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 10 से ग्रेटेस्ट है. तो कितनी बार टेबल रीड करेंगे? 1 बार. 7 1 जा 7 माइनस करेंगे, 0 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे, रिमेनिंग होगा 3. अब नेक्स्ट डिजिट 5 को ब्रिंग डाउन लेंगे, 35 हो जाएगा. 7 से 35 डिवाइड करेंगे, 7 5 35, क्वाड्रेंट में 5 लिखेंगे, नीचे 35 माइनस करेंगे 0. सो 5705 डिवाइड 7 इक्वल 815 क्वाड्रेंट आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0. सो अब हम ऐसे ही एक्सरसाइज 5.2 करेंगे. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड एंड फाइंड द क्वाइटेंट. हमें डिवाइड करना है और क्वाइटेंट को फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिया है, 4 से डिवाइड करना है 64 को. सो 64 बाय 4 लॉन्ग मेथड से डिवाइड करेंगे. सो 4 से 6 को डिवाइड करेंगे. 4 से 6 कितनी बार डिवाइड होगा? टेबल पढ़ते हैं 4 का. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. सो 8 6 से ग्रेटर है. सो टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार. 4 1 जा 4. सो क्वाइटेंट में लिखेंगे 1. जितनी बार हम टेबल रीड करते हैं वो हमारा क्या होता है? क्वाइटेंट. सो 4 1 जा 4, 4 हम नीचे लिखेंगे. अब माइनस करते हैं, 6 में से 4 माइनस करेंगे, रिमेनिंग होगा 2. नेक्स्ट डिजिट क्या दिया हमें? 4. 4 को हम ब्रिंग डाउन लेंगे. सो ये हो गया 24. अब हम 4 से 24 को डिवाइड करेंगे. सो 4 के टेबल रीड करते हैं, 24 कितने नंबर्स पर आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. सो 4 6 जा 24. अब इन्हें माइनस करते हैं, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0. सो हमारा रिमाइंडर क्या है? 0. और 16 क्या है हमारा? क्वाइटेंट. क्वेश्चन नंबर 1 के बी में हमें दिया है 3 से 45 को डिवाइड करना है. सो सबसे पहले हम 3 से 4 को डिवाइड करते हैं. सो 3 का टेबल हम कितनी बार रीड करते हैं? 4 बार. सो 3 के टेबल में देखेंगे 4 नंबर्स आता है या नहीं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो 3 2 जा 6 4 नंबर से ग्रेटर है. सो टेबल कितनी बार रीड करेंगे? 1 बार. 3 1 जा 3, 3 4 से स्मॉलेस्ट नंबर है. सो 1 बार रीड करते हैं, 3 1 जा 3. अब माइनस करते हैं, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1. अब हम नेक्स्ट डिजिट 5 को ब्रिंग डाउन नीचे लेंगे. अब हम 3 से किसे डिवाइड करेंगे? 15 को. सो 3 का टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं 15 कौन से नंबर पर आता है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. तो 3 5 जा 15, 5 क्वाइटेंट में लिखेंगे एंड 15 नीचे. अब माइनस करते हैं, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0. सो क्वाइटेंट 15 एंड रिमाइंडर 0. सो ऐसे आप मैथ में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड एंड फाइंड द क्वाइटेंट A to F अपनी बुक और नोटबुक में करेंगे.